नमस्कार दोस्तों, तो आज एक बहुत ही खूबसूरत सुबह इस बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ आज मैं आपसे बात करूंगा एटीट्यूड के बारे में। तो दोस्तों, एटीट्यूड हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एटीट्यूड आपके एंटायर लाइफ को डिफाइन करता है कि आप नेक्स्ट 10 साल 15 साल कैसे जीने वाले हो। और एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपकी अपब्रिंगिंग से लेके इस समय तक, जिस सिचुएशन में आप पले बड़े हो, जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो, आपकी सक्सेस, आपके फेलियर, आपके इमोशनल ब्रेकडाउन और आपकी हैप्पीनेस, इन सब का जो मिला जुला रिजल्ट है वो आपके एटीट्यूड को डिफाइन करता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम अगर कोशिश करते हैं तो हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं और बिल्डअप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया है, एक डिफरेंट वे है। आप उस चीज़ को किस टाइप से लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है और आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपने अंदर ही नेगेटिविटी को देखूंगा तो मैं शायद एक किताब लिख दूंगा कि मेरे अंदर कितनी नेगेटिव बातें हैं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिविटी को देखूंगा तो हार्डली मैं बहुत कम चीज़ें फाइंड आउट करूंगा। लेकिन अब डिपेंड मुझ पे करता है कि मैं किस चीज़ पे स्टक रहता हूँ। क्या मैं अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को अपनी पर्सनैलिटी पे हावी होने देता हूँ या फिर अपनी पॉजिटिविटी को इतना स्ट्रांग बनाता हूँ कि मैं हमेशा एक रैशनल थिंकिंग के साथ, एक प्रोग्रेसिव माइंड के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाऊँ। तो सेम आपके लिए भी एप्लीकेबल है। दोस्तों, मैं अगर दुनिया को बुरा देखना चाहूँ तो मुझे लाख बुराई नज़र आएगी, लेकिन अगर मैं खुद अंदर झांक के देखना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे जो करेक्शन और जो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे अपने आप से शुरू करनी है। कबीर ने एक दोहे में कहा था कि बुरा देखन मैं चलिया, बुरा मिला ना कोई, जो तन खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो दोस्तों, मैं वही नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बुराई ढूंढने चलूँगा, अगर मैं बुराई देखने चलूँगा तो मुझे हर पल में बुराई ही नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं अपने अंदर जो कमियाँ हैं उनको देखने की कोशिश करूँगा तो मुझे लगेगा कि शायद मेरे अंदर इतने फ्लॉज हैं और मैं अगर पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ इस पे काम करूँगा तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इंस्टीड ऑफ लुकिंग आउट समवन्स फ्लॉ, इंस्टीड ऑफ लुकिंग आउट सो मच नेगेटिविटी सराउंडिंग अस, व्हाई डोंट आई वर्क ऑन माय ओन नेगेटिव एस्पेक्ट सो आई कैन रेक्टिफाई देम, आई कैन इम्प्रोवाइज देम एंड आई कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन माई पर्सनैलिटी। तो आप, मैं हमेशा एक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन की बात करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि देखिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बॉडी से लेके आपके माइंड तक, अगर मैं कहता हूँ कि आप फिट रहिए। मैं क्यों कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सबके अपना अपना तरीका है जीने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी बेस्ट फॉर्म में हो सकते हो तो व्हाई यू शुड बी इन योर बेस्ट फॉर्म। तो इसलिए आप जो है योगा करिए, फिटनेस गोल, और आप अपने बॉडी को हेल्दी रखिए, माइंड को हेल्दी रखिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बेस्ट फॉर्म में रहिए। बेस्ट फॉर्म पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर भी है कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग ना आए कि मैं किसी बंदे की या किसी अपने सराउंडिंग दोस्त की या फिर अपने सराउंडिंग बहुत सारे लोगों की जो है एक पॉजिटिविटी को ना देख के मैं उसके नेगेटिविटी पे फोकस करूँ। तो हमको एटीट्यूड डेवलप करना है। नाउ, एटीट्यूड कैसे आपकी पर्सनैलिटी और पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट करता है कि अगर आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं तो आप जीवन में कभी भी कितने भी बड़ी समस्याएं आए, कभी भी कितने ही बड़े दुख आए, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा खड़े रहने की हिम्मत रखेंगे अगर आप उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। जब भी कभी टफ सिचुएशंस आती है, जब भी कभी फेलियर्स लाइफ में आते हैं, जब भी कभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टांसेस खड़े होते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो ना सिर्फ बहुत
टफ टाइम लेके आती है, बट एक नेगेटिव एनर्जी साथ लेके आती है जिसमें इतना पोटेंशियल रहता है कि अगर हम उस नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर पाए पॉजिटिव फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि आप जिंदगी में एक्सट्रीम चीज़ें अचीव करते हैं, जिंदगी में बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं। तो ये, और दूसरी चीज़ कि आप एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाते, जैसे अभी बहुत सारा माहौल ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में, जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बहुत ही रॉन्ग स्टेप उठा लेते हैं। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट को देखिए, आपके पास ज़्यादा समय वैसे भी नहीं है, आप एक 60 साल का पीरियड एवरेज मान के चलिए, उस टाइम पीरियड में आप जो है ये चाहते हो कि आपके जीवन में बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहे, तो ये तो नाइंसाफी होगी। तो आपके जीवन में मतलब रोमांच होना चाहिए, आपके जीवन में जो है इतने उतार चढ़ाव होने चाहिए कि आप हर 5 साल में उसको रिव्यू करें और हर 5 साल में देखें कि यार मेरी ज़िंदगी कितनी बेहतर थी, कि मेरी ज़िंदगी में जो है ये तूफ़ान और मेरी ज़िंदगी में ये सक्सेस, ये हैप्पीनेस और एक मिक्सचर था, और तो तभी ये लाइफ कंप्लीट है। तो उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखकर अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर है सोचने का और जीने का तरीका, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और रही बात नेगेटिविटी की, दोस्तों मेरे 1000 दोस्त होंगे, 4000 दोस्त होंगे, तो मुझे लगता है कि उनमें से 60% लोग ऐसे होंगे जो शायद मुझे पसंद ना करते हों, 40% ऐसे होंगे जिनमें से रेस्ट ऑफ 40% के 50% ऐसे होंगे जो ना उनको फ़र्क पड़ता है कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ। हाँ 20% ऐसे लोग होंगे कि यस, कि जो जिनको जो मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और जो देखते होंगे मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट को। 10% लोग ऐसे होंगे जो रियली मुझसे मोहब्बत करते होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ, फिर भी वो मेरे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, तो ये एक मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि जीवन में सोसाइटी और जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, कि शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी रैशनैलिटी है, वो आप पे डिपेंड करती है, आप कैसे सोचते हैं और किस टाइप में। यहाँ पर जो है, हाँ मैं एक बात इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए, फ्रीडम इज समथिंग व्हेन यू हैव नथिंग टू हाइड। और आप किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ फ्रॉड मत कीजिए, किसी को चीट मत कीजिए, और अनटिल और अनलेस यू कीप योर ऑप्शन ओपन और आप ब्रॉड माइंडेड बनिए और हमेशा चीज़ों के बारे में बात करिए। तो बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके प्रति ज़्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति हम ज़्यादा ना सोचें। और दूसरी चीज़ है कि लाइफ में अगर आप चीज़ों को दोहराते हो, नेवर लुक बैक इन लाइफ, अगर आप चीज़ों को दोहराते हो, एक मिस्टेक करते हो, तो दैट इज़ फाइन, कोई इसमें बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, गलतियों से ही हम सीखते हैं। और अगर आप दोबारा गलती करते हो, दैट इज़ मेयर कोइंसिडेंस कि आपसे फिर एक मिस्टेक हो गई, लेकिन अगर आप तीसरी बार गलती दोहराते हो, तो मुझे लगता है कि आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, आपके जो है नज़रिए में कुछ दिक्कत है, आप जो है चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को डिफरेंटली ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हो। जो कीन ऑब्जर्वेशन है वो कैसे होना चाहिए, कि हम कैसे अपने आप को जो है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे, और वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज एटीट्यूड के बारे में हमने बात करी, और एटीट्यूड लाइफ को एकदम चेंज करता है, कि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो आपको दिखनी चाहिए, जो मेरे अंदर एनर्जी है वो आपको दिखनी चाहिए, और मेरे फेस में जो मेरी पॉजिटिविटी है वो झलकनी चाहिए, ताकि मैं किसी से भी बात करूं, मैं किसी से भी अपने थॉट शेयर करूं, मैं किसी से भी अपने लाइफ एस्पेक्ट और अपनी रैशनैलिटी के बारे में बात करूं, तो उस व्यक्ति को इतनी सहनशीलता और टॉलरेंस होना चाहिए कि वो मेरी बात को एटलीस्ट सुन तो सकें। तो ये पॉजिटिविटी अगर आप अपने लाइफ में लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप बेस्ट फॉर्म में अचीव कर सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल ये है, आप जीवन में कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आप अपने आप में बेस्ट फॉर्म में रहें।
तो आप बेस्ट फॉर्म में तभी आ सकते हो जब आप बहुत ही पॉजिटिव हो अपने बॉडी के प्रति, अपने माइंड के प्रति, अपनी थिंकिंग के प्रति और अपने लाइफ के प्रति। तो दोस्तों मैं इसी के साथ सुबह की जो ये छोटी सी एक्सरसाइज है कि मैं एक अच्छी बात करके अपने दिन की शुरुआत कर सकूं और यही कन्वे कर सकूं आपको कि हम कैसे जीवन में एक पॉजिटिव और रैशनैलिटी स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।